मॉर्निंग या नाइट, किस टाइम होता है फिजिकल होने का सबसे करेक्ट टाइम, किस टाइम करने से मिलती है फुल्ली सेटिस्फैक्शन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी इसी सवाल के बारे में। कमेंट सेक्शन में यह सवाल था कि आखिर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। बहुत सारे यंग कपल्स ऐसे हैं जो ये बात हमेशा से पूछते हैं कि किस टाइम पर होता है हमारी हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिशियल टू हैव फिजिकल एंड टू इंटीमेट, किस टाइम होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चाहे हम किसी भी तरीके से देखें, चाहे हम एलोपैथिक, होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदा, किसी भी तरीके से देखें तो द बेस्ट पीरियड जो समय है वो हमेशा माना जाता है रात्रि का समय, यानी कि बेड टाइम। बेड टाइम इज द बेस्ट टाइम बिकॉज इसी समय आपके हॉर्मोन्स जो हैं सबसे ज़्यादा रिलैक्स के डिमांड करते हैं। बात करें कि इस टाइम पे बहुत सारे से फिजिकल चेंजेस होते हैं। फुल डे के वर्कआउट के बाद, फुल डे के बिजी शेड्यूल के बाद आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होना चाहता है। और आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू साइंस ये कहा जाता है कि सबसे बेस्ट एक्टिविटी है टू गेट रिलैक्स एंड आफ्टर हैविंग फिजिकल, आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होती है। फिजिकल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका इन्वायरमेंट कितना आपका शांत है, कितनी पीसफुलनेस है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसे एंजॉय कर पाते हैं। बहुत सारे कपल्स जो हैं लाइट ऑन करके अपने दो तीन की पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। ज़्यादा लाइट जगह पे या फिर रूम में लाइट ऑन करके अगर आप इंटीमेशन की प्रक्रिया को करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगी। लाइट ऑफ होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेस्ट बेड का होना, यानी कि अगर आपका जो बेड है या फिर जिस पर आप सो रहे हो वो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। लाइट अगर ऑफ रहती है तो उसके माइंड दो तीन की पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी होगी बिकॉज आपका माइंड हमेशा से यही चाहता है। आपको बता दें कि जब आप फिजिकल प्रोसेस में होते हैं, एक्टिविटी में होते हैं, तो आपकी फुल बॉडी एक्टिविटी कर रही होती है। उस समय आपका माइंड सबसे पहले जानता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। तो इन्वायरमेंट में दो तीन चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, यानी कि आपके रूम में जो हमेशा है वो लाइट ऑफ होनी चाहिए। डार्कनेस में ज़्यादा अच्छे से माइंड को पीसफुल और इन्जॉयमेंट मिलती है। उसी के साथ साथ ही आपके बेड और हाइजीन का भी ख्याल ज़रूर रखें। बात करते हैं परफ्यूम्स। परफ्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कैंडल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर रूम में लाइट भी हो तो कैंडल वाली लाइट हो तो काफ़ी रोमांटिक भी लगता है और आपका मूड जो है काफ़ी अच्छा होता है, सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।